हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। आज मेरी छुट्टी का दिन है, आज जॉब पर नहीं जाना है और मौसम जो है वो बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं, बारिश होने के भी बहुत चांसेस हैं। तो बस मैं और मेरा निकल आए थे बाहर, हमने सोचा थोड़ा वॉक करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं बाहर और मौसम को एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे हम बैकयार्ड में घूम रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी बहुत खुश हो रही है मेरे साथ। हसन जा रहा था बाल कटाने के लिए, तो हम दोनों यहाँ आ गए फिर उसको कि हम अल्लाह हाफिज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हसन को अल्लाह हाफिज़ किया जा रहा है, बस वो जा रहा है बाल कटाने के लिए और हम मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था घूमते रहो। हसन के जाने के बाद मैं और मेरा फिर छोटी सी वॉक पर निकल गए, क्योंकि मौसम ही इतना प्यारा था, दिल ही नहीं चाह रहा था घर के अंदर बैठा जाए, बस दिल चाह रहा था कहीं निकला जाए, घूमा फिरा जाए। कोई और था नहीं घर में, तो कहीं गाड़ी में तो जा नहीं सकते थे, तो बस हमने सोचा वॉक ही कर लें। तो हम अंदर बाहर बस वॉक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इतने अच्छे मौसम देखने के बाद अब घर के किचन का ये हाल, उसको छुट्टी का दिन आज सारा इसको ठीक करने में गुजरे। देखा आपने, ये हाल हो रहा है, हम इसको ठीक करेंगे। मेहनत के बाद किचन की हालत कुछ ऐसी हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने अपना लिविंग रूम भी साफ कर लिया। मेरा की बर्थडे की डेकोरेशंस अभी तक लगी हुई हैं, नहीं हटाई हैं, और मेरा लिविंग रूम भी माशाल्लाह साफ हो गया। तो ये होता है छुट्टी के दिन करने वाले काम, क्योंकि छुट्टी के बगैर वैसे तो कुदरत और कमाल करते हैं माशाल्लाह काफ़ी मेरी हेल्प, लेकिन उन दोनों की तबीयत कुछ सही नहीं है तो मुझे करना पड़ा। और ये साथ में चाय भी तैयार हो गई है, तो आप पियेंगे मज़ेदार सी चाय। चलो बैठो, सिट सिट स्टे सिट, शाबाश बैठ जाओ। चाहिए ना ये? नो नो नो, ट्रीट चाहिए, पीर चाहिए, तो सुकून से बैठना पड़ेगा पहले। गुड बॉय, गुड बॉय, अब मिलेगी पीर। ये लो तुम्हारी पीर। गुड बॉय, नीचे बैठ जाओ, शाबाश। खाने में बन रहा है मगज़, तो मैंने पॉट गरम कर लिया है, उसमें तेल ऐड कर दिया है और मैंने सारे मसाले मिलाकर नमक मिर्ची हल्दी वगैरह, तो मगज़ भी इसमें डाल दिया है और इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह से। और जब ये भून जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें और हरी प्याज। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, मगज़ में ये घुल मिल जाएँ। और थोड़ी देर इसको चम्मच चलाऊंगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख दूँगी। तो लीजिए जनाब, हमारा मगज़ रेडी हो गया है, इसको बस थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दूंगी और ये खाने के लिए तैयार है। सॉरी, हमारा मगज़ नहीं, बकरे का मगज़ रेडी हो गया है जो हमने पकाया है। साथ में बन रहे हैं राइस,
और जी साथ में है ये हलीम जो कि मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी और थोड़ी सी बचा के फ्रीज़ कर ली थी, तो उसको आज मैं फ़्रेश लुक देने के लिए बघार लूँगी और इसमें हरे मिर्चे, हरा धनिया वगैरह छिड़क दूँगी, तो ये भी हम साथ में खा लेंगे। तो जिस दिन सफाई का काम हो और इस तरह का ज़रा वर्क लोड ज़्यादा हो तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, बहुत काम आती है। साथ में बन रही है ये दम चिकन, तो ये मैंने मसाला लगा के रख लिया है, पैन गरम हो गया है तो बस इसके अंदर तेल डाल के और ये सारी चिकन मैं इसमें डाल दूंगी और उसको ढक कर रख दूंगी, तो ये भी जल्दी से तैयार हो जाएगी। साथ में बना लिए सैलड, तो खाना खाने में बहुत मज़ा आने वाला है और ये मेरी दम चिकन भी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना रेडी हो गया है, सब काम ख़त्म हो गया है, तो ये है मेरी प्लेट और सख्त भूख लग रही है, तो अब खाएंगे खाना।